हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रेजर आइलैंड। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का काम करती है तब हमने उसको जीरेंड बोला था, और जब वही वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तब हमने उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला था। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल को, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तब वो सिंपल वर्ब की फॉर्म होती है, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तब उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है। एक और है, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म नाउन का काम करती है तब हम उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब्स जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी ह्यूमन बीइंग बन सकता है। जब भी वर्ब से हमें टू हूम, फॉर हूम या फ्रॉम हूम का रिप्लाई मिले तब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जब हमें वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मिले तब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी। ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया? ए बुक। यहाँ पर जो बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव ए बुक टू हूम, उसने एक बुक किसको दी? जब टू हूम का रिप्लाई हमें मिला तो आंसर हमें मी मिला, इसलिए यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले हम इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इस सेंटेंस में ही है सब्जेक्ट, गेव मेन वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम वे में ही टोल्ड हर ए स्टोरी, ही टोल्ड व्हाट, उसने क्या बताया? अगर हमें व्हाट का रिप्लाई मिला इट मीन्स हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरी। ही टोल्ड ए स्टोरी टू हूम, उन्होंने स्टोरी किसको बताई? हर उसको बताई, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट और टोल्ड मेन वर्ब। नेक्स्ट, मोहन लेंट सोहन सम मनी, मोहन ने सोहन से कुछ पैसे उधार लिए। मोहन लेंट व्हाट, मोहन ने क्या उधार लिया? मनी। अगर मनी है तो इस इट मीन्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मोहन लेंट मनी फ्रॉम होम, मोहन ने मनी किससे ली? सोहन से, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन सब्जेक्ट, लेंट वर्ब और सम एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अजय हैज सेंट हिम ए लेटर, अजय ने उसे एक लेटर भेजा। सब्जेक्ट है अजय, हैज हेल्पिंग वर्ब, सेंट मेन वर्ब। अजय सेंट व्हाट, अजय ने क्या भेजा? ए लेटर। व्हाट का रिप्लाई हमें मिला मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला। अजय सेंट ए लेटर टू हूम, हमें टू हूम का रिप्लाई हिम मिला, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू हूम, फॉर हूम और फ्रॉम हूम के रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीता इज टीचिंग अस इंग्लिश, सीता हमें इंग्लिश पढ़ा रही है। सीता सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब। सीता टीचिंग व्हाट, सीता क्या पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सीता टीचिंग इंग्लिश टू हूम, तो वो हमें पढ़ाती है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जितने भी सेंटेंस हमने देखे, अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो एम्फेसिस जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर होता है, मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में हमें एम्फेसिस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डालना हो तब हम क्या करेंगे? ये बताने से पहले ये नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, इनको हम ब्रेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट मोहन, टोट वर्ब, मोहन टोट इंग्लिश, ये वर्ब टोट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है और टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सन है, ठीक है। नेक्स्ट सेम सेंटेंस, मोहन सब्जेक्ट, टोट वर्ब, हिज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिज तो पजेसिव एडजेक्टिव है, और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन टोट इंग्लिश टू हिज सन, मोहन अपने बेटे को इंग्लिश सिखा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। मोहन टोट हिज सन इंग्लिश, मोहन अपने बेटे को इंग्लिश सिखा रहा है।
इन सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को अलग स्ट्रक्चर से लिखा गया है और इस सेंटेंस को अलग स्ट्रक्चर से लिखा गया है। इस सेंटेंस में जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। जब एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, जो एम्फेसिस होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर होता है, इसलिए इस सेंटेंस में इंग्लिश जो है उस पर एम्फेसिस डाला गया है, वो मेन है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, मोहन टॉट इंग्लिश टू हिज सन, कि मोहन इंग्लिश पढ़ाता है अपने बेटे को, इस सेंटेंस में हमें सन पर एम्फेसिस डालना है। सन यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालना होता है तब हम उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। किसी सेंटेंस में अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालना होता है तो हम उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लिखेंगे तो एम्फेसिस बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर होता है, लेकिन अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालना है तो उसे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। सेकेंड, रोहन गेव हिम ई ए बुक। रोहन सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रोहन ने उसे एक बुक दी, लेकिन हमें एम्फेसिस डालना है हिम पर। रोहन ने एक बुक दी उसे, अगर उसे को हमें मेन बनाना है, यहाँ पर जो एम्फेसिस है वो बुक वर्ड पर है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस होता है, लेकिन हमें एम्फेसिस हिम पर डालना है। अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालना है तो हमें उसे एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना होता है। माई पजेसिव एडजेक्टिव, मदर सब्जेक्ट, मेड वर्ब, केक ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन और मी ओ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। माई सब्जेक्ट, माई पजेसिव एडजेक्टिव, मदर सब्जेक्ट, मेड वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में एम्फेसिस है केक पर, और इस सेंटेंस में एम्फेसिस डालना है हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर, मतलब मी पर। इस सेंटेंस का मतलब है मेरी माँ ने केक बनाया, मेरी माँ ने मेरे लिए केक बनाया, जो एम्फेसिस है वो केक पर है, और इस सेंटेंस में मेरी माँ ने केक बनाया मेरे लिए, एम्फेसिस मी पर है। ठीक है, अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालना है तो हमें उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना है। नॉर्मली सेंटेंस जहाँ पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ हैं तो एम्फेसिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर होता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।